नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपका ही एक डाउट है एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। देखिए, मैं जो स्टडी वाला जितने भी वीडियो हैं वो अभी पेंडिंग चल रहा है, उसको मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर दें, उसके बाद जो साइंस का लेक्चर है, मैथ्स का लेक्चर है, वो अपलोड करेंगे। क्योंकि क्योंकि हम जब तक फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे तब तक वो स्टडी का कोई काम ही नहीं आएगा। तो इस फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे हौच पौच हो गए हैं, बहुत सारे सिस्टम नया चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल रहा है। एग्जाम सेंटर हो या मेडिकल स्टैंडर्ड हो या जोन प्रेफरेंस हो, बहुत सारी चीज़ इसमें डाउट है। तो हम आपको एक एक डाउट समझा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। इस वजह से जो स्टडी वाला अभी वीडियो है वो पेंडिंग में चल रहा है। जैसे ही ये सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर से हम स्टडी वाला वीडियो है वो अपलोड करना चालू कर देंगे। 2-3 दिन में आपका सब डाउट निपट जाएगा। तो देखिए, जितने भी डाउट है एनटीपीसी से रिगार्डिंग, जितने भी आपके डाउट है, वो एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देखेंगे उसमें प्लेलिस्ट का नाम होगा कंफ्यूजन ऑफ आरआरबी एनटीपीसी, इस नाम से एक प्लेलिस्ट होगा। उसमें बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, 4-5 वीडियो मिल जाएंगे, उसमें कौन कौन से डाउट है वो आपके सभी क्लियर है। आप कोई डाउट मुझसे पूछना चाहते हैं तो एक बार पहले जरूर उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डाउट है वो पहले क्लियर हो चुका है कि नहीं, क्योंकि आपके जो डाउट पूछे जाएंगे फिर से उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि आपने नहीं देखी है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं आप जब भी डाउट पूछे तो एक बार जरूर चेक कर लें कि उस प्लेलिस्ट में जो आपके डाउट है उस पे वीडियो बना दी गई है या नहीं बना दी गई है। अगर नहीं बना दी गई होगी, अगर आपने डाउट पूछा और आपके जो कमेंट है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो नहीं बनाया सपोज, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। तो आज मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। बहुत सारे को ये नहीं पता है कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, एग्जाम कितनी बार देना है, ये तो मैंने आपको समझा रखा था कि तकरीबन 5 बार आप एग्जाम दे सकते हैं CBT 2 के लिए, आपको तकरीबन 6 एग्जाम देना पड़ सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। वो मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि कैसे आपको 6 एग्जाम देना है, CBT 2 स्पेशल 5 देना है आपको, कब देना है ये कंडीशन भी मैंने समझाया था। तो देखिए, अगर कोई बंदा ये सोच लेता है कि इधर का जोन है, नॉर्थ का जोन है, ईस्ट का जोन है, ये वाला जो जोन है वो थोड़ा डेंजर जोन माना जाता है, लोग भर देते हैं चेन्नई, तिरुवनंतपुरम भर देते हैं, बेंगलोर भर देते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी? एग्जाम सेंटर की बात करते हैं। गर्ल्स के लिए तो एक बेनिफिट है और पीएच कैंडिडेट के लिए एक बेनिफिट है कि आपका जो एग्जाम होगा आपके होम सिटी होंगे या मतलब कि आपके राज्य में ही कहीं पे होंगे। ये CBT 1 की बात कर रहे हैं। CBT 1 जो कि फिजिकली फिट है उनका कहीं भी दे सकता है। आप अजमेर भरे हैं आपको गुवाहाटी भेज देगा, आप जम्मू भरे हैं आपको तिरुवनंतपुरम भेज देगा, तो इस तरह से रेंडमली कहीं भी भेज सकता है। फर्स्ट CBT की बात कर रहे हैं, लेकिन पीएच एंड गर्ल्स कैंडिडेट की मैं बात करूं तो उनका सेंटर होगा वो होम सिटी हो या होम स्टेट हो, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ये तो हो गई CBT 1 की बात। अब बात करते हैं CBT 2। अगर आपने तिरुवनंतपुरम भर दिया है, आप बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से, सपोज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया है तिरुवनंतपुरम में, CBT 2 में आपके हाई नंबर आ गए, आप सभी लेवल के जो पोस्ट हैं, सभी लेवल के पोस्ट हैं, 2, 3, 4, 5 लेवल के जो पोस्ट हैं सभी के लिए एलिजिबल हो गए, आप सभी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यानी कि आपको 5 CBT 2 देना पड़ेगा, 5 CBT 2, उसके बाद साइको, उसके बाद टाइपिंग का भी कुछ पोस्ट होगा। तो समझ सकते हैं कि उसके लिए तकरीबन आपको 6 से 7 बार आपको तिरुवनंतपुरम जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो CBT 2 होगा वो आपके जोन में ही ले लिया जाएगा, ये कंफर्म है, चाहे तो वो पीएच कैंडिडेट है या वो गर्ल्स कैंडिडेट है या कोई और है, जो भी CBT 2 होगा वो आपके जोन में ही होगा। तो जोन भरते समय ये समझदारी दिखाइएगा कि कहीं हम ज़्यादा नंबर ले आए, ज़्यादा नंबर ले आए और सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए और सभी पोस्ट मुझे देने की मर्जी है, मैं देना चाहता हूँ, तो आप 6 से 7 बार जम्मू कश्मीर टू तिरुवनंतपुरम घूमते रहिए, तो समझ जाइए कि लफड़ा होने वाला है। तो जोन प्रेफरेंस करते समय देखिए, लोग क्या समझ लेते हैं कि हम साउथ जाएंगे तो आसानी से जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि गुवाहाटी जोन का कट ऑफ है वो 2nd नंबर पे रहा और इलाहाबाद जोन का जो कट ऑफ है 10 नंबर उससे कम गया, यानी कि इलाहाबाद जोन जो आपके डेंजर जोन माने जाते थे उसी में कट ऑफ गिर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों का ये परसेप्शन बन चुका है कि हम साउथ में जाएंगे, हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अब सभी जगह इक्वल हो चुका है। तो आप जोन भरते समय ये समझदारी दिखाइए कि आपको 5 बार 7 बार तिरुवनंतपुरम जाना है या
आसपास कहीं जोन भर देते हैं तो वो भी बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि आप उधर जाएंगे तो सिलेक्शन पक्का है, ये भी कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा कंफर्म होता तो ठीक है, 7 बार हम चले जाएंगे, लेकिन उस पर भी तो कंफर्म नहीं है कि हम उधर भरेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, ये सभी छोटी छोटी बातें मैटर करती है, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ ये आनी चाहिए कि हम अपने माइंड से सिलेक्शन लेंगे, जोन से सिलेक्शन नहीं लेंगे कि जोन हमें सिलेक्शन दिलाएगा। हमारा जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो सिलेक्शन दिलाएगा, ना कि हमारा जोन सिलेक्शन दिलाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे कि आपका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा। तो सेंटर से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की। और भी अगर छूट गया होगा कुछ आपके मन में, फिर भी डाउट कुछ होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आपके जो कमेंट होंगे अगर जनरल होंगे तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपके पर्सनल कमेंट होंगे तो मैं उसका वहीं पर रिस्पॉन्स कर दूंगा, वहीं पर आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं आप ही के कुछ और डाउट्स के साथ। हाँ, एक बात और, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि आप उतना ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। लाइक तो अच्छी बात है, लाइक कर रहे हैं वो मुझे सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ों से, तो मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कम इन्फॉर्मेशन दो लेकिन जितना भी इन्फॉर्मेशन दो सॉलिड दो। और जो नए बंदे इस चैनल पर आए हुए हैं उनका स्वागत है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके ही बदौलत मैं हूँ और मैं अगर आपके बदौलत हूँ तो मैं आपके लिए हमेशा इसी तरीके से काम करता रहा होगा। आप इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहे अपने सब्सक्राइब के थ्रू, अपने लाइक के थ्रू और अपने शेयर के थ्रू। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।